बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज का मेरा व्लॉग है मुल्तान की जो है ना पिकनिक का। हम लोग गए थे घूमने के लिए बच्चों को लेके, और सबसे पहले जो है ना हमारा प्लान था कि आज हम जो है ना बच्चों को मेट्रो की सैर कराएंगे, मेट्रो बस पे बिठाएंगे। तो हम लोग जा रहे थे मेट्रो बस पे ऊपर टिकट्स लेने। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं जहाँ भी जाएं, तो यहाँ पर जो है ना हमने टिकट्स ले ली थी और हम लोग जा रहे थे बस में बैठने के लिए। तो जनाब हम लोग बैठ गए थे मेट्रो बस में। ये काफ़ी जो है ना अच्छी सर्विस है इन लोगों की। हम लोग पहली बार बैठे थे और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, और मुल्तान के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी सहूलत भी है, और काफ़ी आरामदेह सफ़र होता है इसका। और जगह जगह जो है ना इसके स्टाफ बने हुए हैं, और अगर कोई घूमने के लिए जाए मुल्तान विजिट के लिए जाए तो वो इस पर लाजमी बैठे, क्योंकि इसके अंदर से जो है ना बाहर का जो नज़ारा होता है वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। काफ़ी टाइम इसमें हमने सफ़र किया है। इसकी टिकट ज़्यादा नहीं होती है, एक जो है ना बंदे की तकरीबन इसकी 20 रुपये टिकट होती है, और हम लोगों ने तकरीबन 1 घंटा इसमें बैठ के जो है ना मुल्तान के जो खूबसूरत ये नज़ारे हैं यहाँ से देखे हैं। उसके बाद भी हमने खाना छाना खाया और फिर हम लोग चले गए थे मॉल। वहाँ पर हमने कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी, वो हमने ली। तो उसके बाद ये हम लोग रवाना हो चुके थे DHA मुल्तान की तरफ, क्योंकि हमारा जो है ना घर से यही प्लान था कि हम लोग DHA जाएंगे और वहाँ पे जो ज़ू है बच्चों को आज उसकी सैर कराएंगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे DHA मुल्तान, और यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमारे साथ हुआ क्या कि यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें पता चला कि आज तो ज़ू है ही बंद, लेकिन यहाँ का जो माहौल है काफ़ी साफ़ सुथरा है, अच्छा है और काफ़ी पुरसकून एरिया है। हम लोग फिर आगे तक चले गए थे कि चलो आए हुए हैं तो थोड़ा विज़िट ही कर लें, और मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं वो यहाँ पर काम कर रहे थे, ये जो रोड्स वगैरह बन रहे हैं इस पर, तो मेरे हस्बैंड ने उनसे भी मुलाकात करनी थी। तो ज़ू तो बंद था तो फिर हम उनकी तरफ जा रहे थे जहाँ पर उनका काम हो रहा था। काफ़ी जो है ना इन्होंने अच्छे तरीके से रोड को डेकोरेट किया हुआ है, जो तारीखी मकामात हैं सारे, मीनारे पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है, इसी तरह और भी जो सारी चीज़ें इन्होंने रोड के साइड पर जो है ना जगह जगह पर बनाई हुई हैं। जो है ना रेस्टोरेंट वगैरह और मस्जिद वगैरह ये भी यहाँ पर बन रहे हैं, मॉल्स वगैरह सब कुछ।
जी यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे और बच्चे जो है ना सब्जी पे काफ़ी खेल रहे थे, गाड़ी में बैठ बैठ के थक गए थे। हस्बैंड और उनके जो दोस्त हैं वो आपस में जो है ना गपशप कर रहे थे और बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। शाम का टाइम था और काफ़ी अच्छा जो है ना मौसम बना हुआ था इस टाइम। यहाँ से निकलते निकलते हमें तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था, लेकिन जो है ना मेरे हस्बैंड के दोस्त ने कहा कि बच्चे आए हुए हैं तो फिर मैं इनको ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। लेकिन हमने तो खाना बिल्कुल पेट भर के खाया हुआ था, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जो भी बंद है तो फिर साथ में जो है ना वो रेस्टोरेंट के अंदर ये सारे परिंदे वगैरह रखे हुए थे, तो बच्चे यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और झूले वगैरह भी लगे हुए थे। तो सुलेमान साहब भी काफ़ी खुश हैं यहाँ पर परिंदों को देख के भी और झूले के ऊपर बैठ के भी। खाना तो हमने खाया हुआ था, तो हमने उन्हें मना किया कि खाना तो हमने खाना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने टिक्के वगैरह और कबाब वगैरह मंगवाए थे और उसके बाद ही हमने वो खाए। और फिर हम लोग जल्दी से आ गए थे अस्करी पार्क, क्योंकि बच्चे घर से ही कह के गए थे झूले वगैरह लेने हैं, और लेकिन उन्होंने सारा दिन गुजर किया और हमें हमारा जो खा के उधर जाएँगे जू में तो शायद साथ में कोई पार्क वगैरह भी होगा तो बच्चे वहाँ पर इंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो और काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर ये तकरीबन रात के 9 बज चुके थे और फिर हम लोग यहाँ पहुँचे। तो जल्दी जल्दी से हमारी कोशिश थी कि छोटे बच्चों को मैंने यहाँ पर ट्रेन में बिठाया और बड़ी बेटी ने जिद की कि नहीं मैंने तो दूसरे झूले पे बैठना है। तो फिर जो है ना मेरे हस्बैंड उसे वहाँ ले गए थे और मैं छोटे बच्चों को नज़दीक ले के ना इधर बैठ गई थी ताकि जल्दी जल्दी से ये झूले लें और फिर हम घर चले जाएँ। बच्चे जब पार्क में हैं और ये कहें कि बस एक दो झूले लेंगे और चले जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक से करते हैं तो दूसरे की फरमाइश शुरू हो जाती है। तो इसी तरह हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो सुलेमान साहब भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं।
हस्बैंड, मैं और छोटे जो है ना बच्चे यहाँ पर बैठे हुए थे, और बेटियाँ जो है ना ऊपर झूले पे बैठ गई थी, तो सुलेमान साहब भी यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। छोटे बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे नीचे चेयर्स पे, और बेटियाँ जो है ना ऊपर झूले पे बैठी हुई हैं। तो छोटी बेटियों को मैंने यहाँ पर जो है बिठा लिया था इस झूले पे, जितना भी हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे तो बच्चे तो यहाँ से निकलने का नाम ही ले रहे थे। तो बस ये आ रहे हैं कि कहाँ के हम लोग जो है ना इस हॉर्स पे बैठते हैं, और ये लोग इस पे आ गए थे अपने बाबा के साथ। सुलेमान का भी काफी दिल कर रहा था कि किसी न किसी झूले पे बैठे, तो फिर हमने जो है ना बड़ी बेटी के साथ इसको बिठा लिया था ताकि वो इसे मजबूती से पकड़ के बैठे और ये भी एंजॉय कर ले। चलो रेडी हो जाओ, रेडी। ये सारी चीजें जो है ना बहुत ही यादगार होती है। जब ये छोटी होती थी कसिया और मीरा, तो हम लोग कहीं पार्क वगैरह में जाते थे, तो इनकी जो पिक्चर्स वगैरह है तो देखते हुए काफ़ी खुश होती हैं। तो फिर अब ये जो छोटे हैं तो ये भी जब बड़े होंगे देखेंगे इंशाल्लाह, तो ये भी इंजॉय करेंगे इस जो है ना इन लम्हात को। सुलेमान तो उसके बाद ही हम लोग रवाना हो चुके थे घर की तरफ। ये तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम हो चुका था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।